दिल्ली के बवाना में देर रात मुड़क नहर टूट गई, जिससे चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी सप्लाई बंद हो गया। आसपास के रिहायशी इलाके में भी पानी भर गया। ये पानी इतना ज्यादा था कि एक से दो घंटे में ही लोगों के घरों में कमर तक पानी पहुंचने लगा, जिसके बाद लोग अपने ही घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। लोगों के घरों में पानी घुसने से उनके बिजली के इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो आइटम्स थे, पानी की मोटर, घरों में रखा तमाम सामान खराब हो गया। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया, सब ऐसे ही अपने आप इधर से उधर चल रही है। कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे, ऐसे ही रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त, जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। मैं आपको सीधी तस्वीरें देखिए, ये बवाना की दिखा रही हूँ, जहाँ पर गलियों के बाहर हम मौजूद हैं, और पानी का लेवल आप यहाँ देखिए। देखिए मुनक लहर जो कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी जहाँ पर आता है वो टूटी, और उसके बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी गहरा है। और पीछे गली के एंड में अगर आप देखें तो आप देखें कि वो लोग जो है, जो एक बेदिंग टब होता है उसको नाव बना के इधर से उधर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप गली के एंड की अगर देखेंगे, 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढे, इधर आ रहे हैं तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया, उनके एचसीएम एससी बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदोली वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है, वहां से पानी डाइवर्ट होगा। नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते एक महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा, उसके बाद एक दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा, और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया।